हर हर महादेव। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम इस वीडियो को नहीं लाना चाहते थे, परंतु बकरा मुंडी लोग और न्यू अद्वैत वैष्णव हमको यह करने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों को भगवान शिव को नीचा दिखाना बहुत पसंद है, साथ ही भगवान शिव के अवतार भगवान सर्वेश्वर को काल्पनिक दिखाना बहुत प्रिय है। यह लोग भगवान सर्वेश्वर को इसलिए नीचा दिखाते क्योंकि उन्होंने भगवान नरसिंह का वध करके उनको शांत किया था। भगवान सर्व की प्रमाणिकता के लिए हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको सभी प्रकार के ग्रंथों से भगवान सर्व की प्रमाणिकता को सिद्ध किया था। इस वीडियो को हमने कालिका पुराण के अध्याय 28 से 31 तक की कथा पर आधारित किया है। इस कथा में भगवान शिव सर्व रूप धारण करके नरसिंह, वरा, मत्स्य व कुर्मा का वध करके उनको शांत करते हैं। कुछ अनपढ़ लोग इस सब को काल्पनिक बताते हैं, तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले नरसिंह संहारम, वरा संहारम, मत्स्य संहारम व कुर्मा संहारक मूर्तियों की बात करते हैं। इन चारों का वध करने के पश्चात भगवान सर्व चार प्रकार की मूर्तियों में स्थापित होते हैं, जिनको शाक्त संप्रदाय में बहुत मान्यता है और इनकी पूजा भी की जाती है। शाक्त संप्रदाय में कालिका पुराण का एक विशेष महत्व है और यह ब्रह्मविवर्तन या श्रीमद् भागवतम की तरह 500 से 600 साल पुरानी नहीं है, इसको बहुत पुरानी पुराणों में माना जाता है। इसकी जो यह कथा हमने आपको बताई ये पूर्णतः सत्य है। बकरा मुंडी व न्यू अद्वैती वैष्णव इस बात को नहीं मानते क्योंकि इन सबको यह बातें झूठी लगती है। भगवान सर्व ने नरसिंह का वध शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण व कालिका पुराण में किया है, तो यह कथा पुराणों के अतिरिक्त महाभारत में मिलती है, जहां पर बताया गया कि भगवान सर्व ने नरसिंह का वध किया। इन सभी प्रमाणों से यह कथा पूर्णतः सत्य होती है क्योंकि इसके पौराणिक व ऐतिहासिक प्रमाण हम आपको दे चुके हैं। इसके अलावा श्रुति से भी प्रमाण देंगे, जहां सर्व उपनिषद में साफ साफ लिखा कि भगवान सर्व ने नरसिंह का वध किया, क्योंकि श्रुति प्रमाण के आगे कितने भी पौराणिक प्रमाण धर दिए जाए वो शब्द असत्य माने जाते हैं। तो सर्व उपनिषद में जब लिख दिया गया कि भगवान सर्व ने नरसिंह का वध किया, तो यह बात पूर्ण सत्य हो जाती है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुर्मा संहारम की। तो लिंग पुराण के चैप्टर 96 में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने कुर्मा का वध करके उसके सर को अपने गले में धारण किया। इसका एक प्रमाण जो कि हम आपको बाद में देंगे, जिससे यह बात पूर्णतः सत्य हो जाएगी, उससे पहले हम बात कर लेते हैं वरा संहारम की। कालिका पुराण में भगवान सर्व सबसे पहले वरा से ही युद्ध होता है। इस युद्ध में भगवान सर्व उनका वध करते हैं। अब बात करते हैं इस कथा की प्रमाणिकता की। तो हम सबके गुरु जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने प्रपंच सार तंत्र के 26वें पटल में भगवान सर्व की स्तुति करते हुए वरा को मारने वाला बताया है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी बोलते नमस्ते अस्तु द्विवरा भेदनी, अर्थात जिसने वरा को मारा या भेदा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों हमारे गुरुदेव ने भी कालिका पुराण को कोट कर दिया, यानी कि इसकी प्रमाणिकता पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिससे आजकल की बकरा मुंडी वह न्यू अद्वैती वैष्णव जो कि शंकराचार्य जी के शिष्य के रूप में स्वयं को देखते हैं, उन सबकी धोती उतर गई। अब हम इन चारों का वध का श्रुति प्रमाण भी आप सबके सामने लाते हैं, जिसको हमने पहले ही आपको कुर्मा संहारम के बारे में बता दिया था कि इसके बारे में एक प्रमाण हम आपको अंत में देंगे, क्योंकि यह प्रमाण सभी प्रमाणों से श्रेष्ठ है। इस प्रमाण से कालिका पुराण वह अन्य सभी पुराणों की कथा की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाएगी और बकरा मुंडी दक्ष के पुत्रों का पर्दाफाश हो जाएगा। यह देखिए सर्व उपनिषद के मंत्र 13 में यहाँ लिखा है, यो मत्स्य कुर्मा दि वरा सिंह कर्मंतम, अर्थात कुर्मा मत्स्य वरा नरसिंह आदि का कर्म से अंत करने वाले। ये देख रहे हो मित्रों कितना बड़ा श्रुति प्रमाण आप सबके सामने हमने प्रस्तुत किया है। इस प्रमाण के आगे अब यह कोई भी पुराण या कोई भी संहिता आदि उठा कर ले आए उन सबको हम लात मारते हैं। कुछ बकरा मुंडी लोग यह बोल सकते हैं कि यह केवल घटना एक कल्प की है, तो दोस्तों उन कथों को मैं बता दूं कि शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कालिका पुराण वह आदि पुराण वह महाभारत किसी एक कल्प के नहीं है, अभी तो अलग अलग कल्प है, तो एक कल्प का होने की सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, श्रुति किसी कल्प पर निर्भर नहीं करती, सर्व उपनिषद श्रुति है। तुम्हारी कोई 500-600 साल पुरानी लिखी हुई कोई पुराण नहीं, जैसे कि ब्रह्मविवर्तन और भागवतम। तो दोस्तों
जैसा जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने भगवान सर्प की स्तुति में बोला था वही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखिए नमस्ते अस्तु द्विवरा भेदनी।